जैन मूंग घोगर बनाने जा रहे हैं। अभी हमने सबसे पहले आधा कटोरी मूंग का मोगर और एक लाल टमाटर दोनों को मिक्स करके दो तीन पानी से धो करके स्टील कुकर के अंदर डाला था और अभी ये पकड़ के रेडी हुआ है। अभी सबसे पहले विषय खींच के स्टील का कुकर हमारे पास में इसको बाहर रख दिया है। अभी हम मूंग का मोगर बाहर निकालना चाहिए। ये है मूंग मोगर जैन। इसके अंदर आलू प्याज लहसुन नहीं डाला जाएगा। जैन हम ये बनाकर भी सभी लोगों को भी फहरा सकते हैं क्योंकि आलू प्याज लहसुन साधु लोग नहीं खाते हैं और 8-9-14 के दिन ये सब्जी खाने पर बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए अभी हमने ये बना करके रेडी कर दिया मूंग का मोगर एंड टमाटर। अभी हम इसका फ्राई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम गैस स्टोव को स्टार्ट करने जा रहे हैं। गैस स्टार्ट हो गया है। अभी हमने छोटा सा कढ़ाई लिया है, इसको ऊपर रखा है और इसके अंदर हम डालना चाह रहे हैं घी, प्योर घी। ये डाल दिया है घी। घी डालने के बाद में हम डालेंगे, देखिए इतना सारा घी लेना है, कमती कभी भी नहीं करना है। तो उसके बाद में अच्छा टेस्ट बनने वाला है। हमने कटा है 2 हरी मिर्च एंड कैरी पल्ला, इसको दोनों को हमने कट कर दिया है। और अभी हम घी अच्छी तरह से गर्म हो गए, गैस को अभी धीरे करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम डालेंगे राई, जीरा, राई भी डालेंगे, जीरा भी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे और टेस्ट के अनुसार नमक भी डालेंगे। और इसके बाद में आधा गिलास पानी डाल करके अच्छा फ्राई करेंगे। ये वेरी वेरी बहुत टेस्टी बनने वाला है और हमेशा कभी कभी ऐसा बना सकते हैं और फैमिली के साथ में बैठ करके रोटी के साथ में, ज़्यादा रोटी के साथ में, चावल के साथ में खा सकते हैं। अभी हमारा काम शुरू होने जा रहा है। 1/2 स्पून राई, 1/2 स्पून जीरा, उसके बाद में हम डालने जा रहे हैं कैरी पल्ला एंड ग्रीन चिली। डाल करके हम डालने जा रहे हैं 1 स्पून रेड चिली पाउडर। उसके बाद में डालने जा रहे हैं थोड़ा सा पानी। ये डालने के बाद में हम स्पून निकाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई करने वाले हैं। ये ले लेना है स्पून। इसके बाद में हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक यानी साल्ट। ये हो गया है मूंग का मोगर। अभी इसको हम अंदर डाल करके अच्छा फ्राई करने जा रहे हैं। वाह, अभी इसके अंदर टेस्ट के अनुसार सभी चीज़ें डाल दिया है और अभी हम डालने जा रहे हैं पानी। पानी डालते समय ध्यान रखना, जितना आपको डाल के अंदर चाहिए उतना ही डाल सकते हैं और इसके अंदर डालना पड़ेगा 1/4 स्पून हल्दी, 25 स्पून इतना आपको हल्दी भी डालना पड़ेगा। और ये टेस्ट के अनुसार सब कुछ डाल दिया है हमने। अभी अच्छी तरह से इसको हिलाना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है। ज़्यादा मिक्स किया तो मूंग मोगर का टेस्ट चले जाएगा और यदि आपने ऐसे ही किया तो आपको हमेशा के लिए अच्छी तरह से घर के साथ में, परिवार के साथ में, घर के अंदर परिवार के साथ में बैठ करके खाना खा सकते हैं और ये वेरी वेरी टेस्टी है। कृपया करके हाउ टू मेक ऑल टाइप वीडियो अवेलेबल है। 1205 वीडियो रूपाराम भोला यूट्यूब के माध्यम से अवेलेबल है। आप भी जाइए, जितना यूट्यूब चैनल के माध्यम से चैनल है उतना तो आपका भी फर्ज बनता है, कम से कम इतना तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को एक विनती बोलता हूँ कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कैसे सफल बनोगे। हम तो हमेशा अच्छी सोच के साथ में हर प्रकार का वीडियो बनाते हैं। आत्मनिर्भर बनना सीखो, अपने पर सभी कार्य बनाना सीखो, किसी के ऊपर वो आएगा बना दे देगा ऐसा मत रहो। और अभी हम ये इसका इमेज दिखाने जा रहे हैं। वाह, मूंग का मोगर अभी तैयार है।